हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। सुबह नितिन गडकरी जी ने बताया हाउ इंडिया विल सून क्रश चाइना टू बिकम वर्ल्ड नंबर वन मार्केट। मतलब दुनिया की कैसे क्रश चाइना को करके भारत बनेगा नंबर वन मार्केट, नितिन गडकरी जी ने बनाया। और इनकी बातें बहुत सच होती हैं। तो जल्दी काउंट ऑन करते हैं, रीड ऑन एंड स्टार्ट। हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बनेंगे। एक बात है कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, दिल्ली से डेहराडून दिसंबर के बाद फ्लाइट बंद हो जाएगी। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी अपनी ऐसी ही स्टेटमेंट्स देने के लिए और उनमें से कईयों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। और रिसेंटली गडकरी जी ने एक ऐसी ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि 3 साल के अंदर इंडिया के अंदर हर तरीके की गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी और अगले 5 सालों के अंदर यानी कि 2028 तक इंडिया दुनिया का नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और इस इंटरव्यू की खबर तब सामने आई है जब इंडिया ने ऑलरेडी जापान को कार सेल्स के मामले में बीट कर दिया और थर्ड पोजीशन पर आ चुका है। जहां जापान की ओवरऑल सेल्स 4.2 मिलियन थी, वहीं इंडिया की सिर्फ नवंबर 2022 तक की सेल 4.13 मिलियन की थी। और अगर इसके अंदर हम मारुति सुजुकी के दिसंबर के नंबर्स को भी मिला दें तो ये 4.25 तक पहुंच जाता है। और टाटा और बाकी कंपनीज के नंबर भी आउट होंगे तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि हर बार ट्रेडिशनली जापान थर्ड स्पॉट पर रहता था, लेकिन इस बार इंडिया ने ये स्पॉट क्लेम किया है। लेकिन जितनी हमें इस चीज की खुशी होनी चाहिए उतनी ही सच्चाई की समझ भी होनी चाहिए कि इंडिया भले ही थर्ड स्पॉट पर हो लेकिन सेकंड पोजीशन पर यूएसए और चाइना आते हैं जिनका इंडिया से इस टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा है नंबर्स के अंदर। पैसेंजर कार्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल के मामले में जहां यूएसए 13.8 मिलियन पर है, वहीं चाइना उससे दुगने यानी कि 26.8 पर बैठा है और हम अभी 4.2 पर ही हैं, जो कि बहुत छोटा नंबर है इन नंबर्स के मुकाबले। नाउ इवन दो ये नंबर देखकर ऐसा लग सकता है कि शायद गडकरी जी की ये बात सच ना हो पाए इतनी जल्दी, लेकिन इस बात को मजबूती देने के लिए हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा फैक्ट है। और वो ये है कि जहाँ पर टॉप 10 ऑटो मार्केट्स नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, वहीं सिर्फ चाइना और इंडिया ही दो ऐसे देश हैं जिन्होंने 2021 के मुकाबले पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है कार सेल्स के मामले में। और उसमें भी चाइना में सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई है और इंडिया में मैसिव 24% की ग्रोथ हुई है। और इसीलिए नितिन गडकरी जी की ये स्टेटमेंट काफी हद तक सच दिखाई देती है। और क्योंकि ऐसा होने के चांसेस दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया की ऑटो मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रही है, इस ग्रोथ में एक्सपोर्ट और होम कंजप्शन का कितना रोल है और कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडियंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने वाला है फ्यूचर के अंदर। लेकिन हम साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर वो कौन सी दिक्कतें हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बनने से जुड़ी हैं, जैसे कि एक्सट्रीम ट्रैफिक वगैरह। लेकिन उस सबसे पहले हम थोड़ा चाइना की तरफ नजर डालेंगे क्योंकि आज से कई साल पहले चाइना के साथ जो हुआ था वही इंडिया के साथ हो रहा है आज की डेट में। और इसी चाइना के रेफरेंस से हम इंडिया की सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। 2008 के बाद चाइना की ऑटो सेल्स एकदम से ऊपर जाने लगी और जहां पूरी दुनिया में सेल्स गिर रही थी रिसेशन की वजह से, चाइना 2009 के अंदर दुनिया की लार्जेस्ट कार कंज्यूमर मार्केट बन गई। लेकिन ये सब 2008 में शुरू नहीं हुआ था और इसीलिए चाइना के राइज को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। इसकी शुरुआत 1978 में हुई जब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर दी और फिर शुरू हुआ 80s और 90s के अंदर जॉइंट वेंचर्स का सिलसिला। अब ये कहानी कुछ हमारे को सिमिलर लगती है इंडिया की सिचुएशन के साथ, क्योंकि इंडिया के अंदर भी 1985 के अंदर पार्शियल लिबरलाइजेशन आ गया था और इसके साथ ही कार मेकिंग के लिए फॉरेन कंपनीज ने इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स स्थापित करे थे। लेकिन चाइना को 1978 में यानी कि इंडिया से 13 साल पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चालू करने की वजह से एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली, जिसकी वजह से चाइना को दो तरीके से फायदा हुआ, जिसमें पहला फायदा था कि उनकी इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कितनी स्ट्रांग है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जहां इंडिया के अंदर ऑटो पार्ट की इंडस्ट्री सिर्फ $50 बिलियन की है, वहीं चाइना में $550 बिलियन की है। पूरी दुनिया का 35% ऑटो पार्ट का मार्केट सिर्फ चाइना के पास है और इंडिया ने खुद $4.2 बिलियन के पार्ट चाइना से इम्पोर्ट करे हैं। अब हो सकता है इतना बड़ा नंबर ना लगे 4.2 वाला, लेकिन अगर आप इसको इंडिया की हम्बल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अभी 3% ही कंट्रीब्यूट करता है और चाइना उससे 10 गुना ज्यादा यानी कि 29%। दूसरा जो फायदा मिला लिबरलाइजेशन की वजह से वो था उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई चाइनीज लोगों की। चाइना की पर कैपिटा इनकम 1978 में $156 थी, वहीं इंडिया की $206 यानी कि चाइना से भी ज्यादा। लेकिन ये नंबर 2021 में चाइना के लिए बढ़कर $12,556 हो गया, वहीं इंडिया के लिए ये सिर्फ $2,257 ही रह गया।
यानी कि बहुत कम। अब 2000 तक ही इन दो चीजों की वजह से, यानी कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होने की वजह से और पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से, जहां एक तरफ ओईसीडी कंट्रीज के अंदर डिमांड पीक कर रही थी और यूएसए जहां पर एक टाइम पर ऑटो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा था, वहीं अब इनकी मार्केट के अंदर डिमांड गिरने लगी थी और इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए चाइना एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन गया था। और फिर 2008 में डेट क्राइसिस आया जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा गई, लेकिन अच्छी डिमांड और इकोनॉमिक स्टिमुलस की मदद से चाइना ने इकोनॉमी को स्टेबल किया। और 2009 में चाइना ने 3,000 से 6,000 युआन ऑफर किए उन गाड़ियों को छोड़ने के लिए जिनके एमिशन स्टैंडर्ड ज्यादा थे, और फिर 2010 तक बढ़ाकर इसे 18,000 चाइनीज युआन तक कर दिया। और फिर इसके साथ ही सेल्स टैक्स को भी 1.6 लीटर तक की गाड़ियों के लिए कम किया गया और इसे 10% से 5% कर दिया गया, जिसकी वजह से स्मॉल कार की सेल्स के अंदर चाइना के अंदर जंप मिला और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बन गई। और कमाल की चीज ये है कि लगभग 1.5 दशक बाद इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार चाइना में नहीं, इंडिया के अंदर, क्योंकि जो दो चीजें चाइना के अंदर हुई थी वही सेम चीजें इंडिया में भी हो रही हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां चाइना के अंदर डिमांड 2016-17 में काफी ज्यादा पीक कर रही थी, वहीं आज की डेट में वो स्टैग्नेंट हो चुकी है, लेकिन इंडिया की मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। इंडिया के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स दोनों में। पैसेंजर कार्स का एक्सपोर्ट 43% तक बढ़ चुका है और इंडिया में एक्सपोर्ट के साथ साथ डोमेस्टिक डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। 2020 में इंडिया की एवरेज हाउसहोल्ड इनकम 3 गुना तक बढ़ी है और फ्यूचर के अंदर ये और बढ़ेगी। और जैसे जैसे इंडिया में इकोनॉमिक राइज आ रहा है वैसे ही अर्बनाइजेशन भी बढ़ रही है, और मैकेंजी के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया की 500 मिलियन पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में रहेगी, जो कि यूएसए की टोटल पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज्यादा है। और इसके साथ ही 60 मिलियन लोग 2025 तक कंज्यूमिंग क्लास में होंगे, और ऐसी डिमांड के साथ इंडिया की ग्रोथ 11.3% CAGR रहेगी 2027 तक, और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगी गाड़ियों की। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ही नहीं, डिमांड साइड पर भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। 20 लाख करोड़ के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत के तहत निकाले गए हैं, और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सिर्फ ऑटो सेक्टर की बात ही करी जाए तो 28,000 की PIL स्कीम लॉन्च करी गई है ऑटो सेक्टर्स के पार्ट्स को लेकर। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने 42,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का टारगेट किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट 67,690 करोड़ की आ गई है, और क्योंकि आने वाला फ्यूचर क्लीन एनर्जी का है इसीलिए गवर्नमेंट EVs वगैरह के ऊपर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कीम बना के गवर्नमेंट भूल रही है, हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर नितिन गडकरी जी ने जो बोला था वो करा है, जैसे कि रिसेंटली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंडिया चाइना से भी आगे निकल गया है लेंथ के मामले में टोटल रोड्स की, क्योंकि जहां पर 2014 के अंदर इंडिया की रोड्स की लेंथ 91,000 किलोमीटर के आसपास थी, वहीं सिर्फ 9 साल के अंदर ये 1.45 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हम सेकंड नंबर पर आ गए हैं। और इसी तरह क्लियर पॉलिसीज हमें हेल्प कर सकती हैं ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए और चाइना को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन देखा जाए तो ये सारी चीजें इतनी भी आसान नहीं होने वाली हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये सच थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि इंडिया ने भले ही जापान को कार सेल्स में बीट कर दिया हो, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी जापान हमसे आगे है, क्योंकि 2022 में इंडिया ने 5.2 मिलियन व्हीकल्स को प्रोड्यूस किया था, वहीं जापान ने 7.8 मिलियन को किया था, और ये साफ दिखाता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी भी पीछे है, और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी देश के लिए। और इंडिया के सामने ऐसी ही कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ हमें टैकल करना है, जैसे कि हायर टैक्सेस या लिथियम आयन पर चाइना की डोमिनेशन, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा इशू बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस सिर्फ इंडिया के बिगेस्ट ऑटो मार्केट हब बनने की राह में ही नहीं है, ये बनने के बाद भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रैफिक जाम की। भले ही हम चाइना से भी बड़े हो जाएं रोड्स बनाने के मामले में, लेकिन चाइना के अंदर आज भी ट्रैफिक जैम एक रेकरिंग फिनोमेना है। चाइना के अंदर 167 कार्स हैं 1000 लोगों पर, जो कि यूएसए के 980 पर 1000 से बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन और उसकी डेंसिटी किसी भी रोड नेटवर्क को छोटा कर सकती है। और 2010 में ऐसा हुआ भी था चाइना के अंदर, जब उनके नेशनल हाईवे 110 पर 10 दिनों के लिए 100 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, और इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी, और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल ट्रैफिक जैम बोला जाता है। और ये सेम फिनोमेना इंडिया में भी हमें देखने को मिलता ही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बड़े शहरों में भयंकर ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, क्योंकि जहां पर 2018 में हमारी कंट्री के अंदर 22 कार्स थी 1000 पीपल पर, वहीं 2025 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 पीपल पर यहां पर 72 कार्स होंगी, और ये सिनेरियो अर्बन सिटीज के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि जाम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑटो हब बनने की बात चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बोली गई है। गडकरी जी ने 2020 में ये बोला था कि इंडिया अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, और फिर 2021 में उन्होंने सेम बात बोली,
और बोले कि हम नई टेक्नोलॉजी जैसे कि इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस वगैरह पर काम करेंगे और अगले 5 सालों के अंदर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा। और फिर 2023 के अंदर सेम बात बोली गई है। खैर, दावे बार बार करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम गडकरी जी की बातों पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। गडकरी जी बहुत एक अच्छे मिनिस्टर हैं, बहुत कमाल, उन्होंने वाकई जो बोला वो करके भी दिखाया। उन्होंने बोला हाइड्रोजन से चलाऊंगा, चलाई एथेनॉल प्लांट क्या किया, हर चीज के मामले में देख लो, हर मामले में वो बहुत आगे जा रहे हैं यार, सच्ची बात बोल। चाइना में ट्रैफिक जाम कितना बड़ा लगा था यार, देखो जो चीज देखो, चाइना की 2% ग्रोथ थी, भारत की 24%, ये ग्रोथ रही तो भारत कुछ सालों में चाइना को वाकई क्रॉस कर लेगा यार। इधर एक और बात कहने वाली है ना यार, 2028 तक कौन समझता है कि यार मतलब इंडिया नंबर वन पे आ सकता है, यूएसए को तो क्रॉस करेगा, चाइना का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद थोड़ा टाइम और लग जाए 2028 तक, मतलब भारत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपकी नजर में आप क्या समझते हैं, क्योंकि यार मुझे पता है इंडियन लोग जब किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वो करके ही रहते हैं, तो नितिन गडकरी जी तो वो पक्का पड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका इजीली क्रॉस हो जाएगा यार, अमेरिका क्रॉस हो सकता है, चाइना तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अगर उधर से लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकालना स्टार्ट कर दी चाइना से, डाउन माइनस में चली गई, आप उनकी कारोबार में फर्क पड़ा या इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ा, तो फिर जल्दी हो सकता है, वरना 2035 35 तक। आपको इसके कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें, सारे मामले पे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।